हम भी बहुत जल्दी 17.5 के पहुंचने वाले हैं सो so, अगर आप में से कोई है जिसने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा कंटेंट भी अच्छा लगता है तो भाई जल्दी कर दो यार सब्सक्राइब किस बात का वेट कर रहे हो और अगर 17.5 के हो गया है तो भी कर दो यार हमको ट्वेंटी के भी जाना है इसके बाद सो इन टूडेज़ वीडियो वी विल सी अ फेमस स्ट्रेटेजी विच वी विल कॉल फिफ्टी ई एम ए प्लस आर एसा स्ट्रेटजी स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रहा होगा जैसे नाम से आपको समझेगा उन्होंने ट्रेडिंग व्यू में दो बिल्टिन इंडिकेटर यूज किया है और एक स्ट्रैटेजी बनाए और उनका दावा है कि ये स्ट्रैटेजी का विन रेट सेवेंटी परसेंट तो है ही इन बैंक निफ्टी दैट साउंड्स साउंडियो ऑसम अगर सच रहा तो हमने इनके और दो स्ट्रैटेजी भी टेस्ट किया है चैनल पर आपको वो वीडियो सजेस्ट हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वहाँ से आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हो दोनों स्विंग स्ट्रैटेजी थे और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी थे तो इंट्रो का हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं जहां हम 50 ई में प्लस आर एस आई प्रोवाइडेड बाय स्वप्नाजा शर्मा को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे इन बैंक निफ्टी और चेक करेंगे कैसे काम करता है सो हाई एवरी दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इन लेट्स स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे अब बैंक निफ्टी प्लॉट करेंगे सिंपली इधर ऊपर क्लिक करो और बैंक निफ्टी सर्च करो तो यहां पर आपको बैंक निफ्टी आएगा उसको ऐड कर दो अब इसके बाद टाइम फ्रेम में जाएंगे और थ्री मिनट सिलेक्ट कर देंगे अब ऊपर इंडिकेटर में क्लिक करेंगे और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सर्च करेंगे तो ये बिल्ट इन वाला आएगा इसको क्लिक करके ऐड कर देंगे अब इसके सेटिंग्स में जाएंगे और लेंथ को फिफ्टी कर देंगे फिर स्टाइल में जाके कलर को वाइट करेंगे और थिकनेस को बढ़ा देंगे ये स्टाइल वाला पार्ट हमारा प्रेफरेंस है आप कुछ और रख सकते हो अब इसके बाद हम वापस ऊपर इंडिकेटर में जाएंगे और आर सर्च करेंगे तो ये ये बिल्टिन वाला ही आ जाएगा फुल फॉर्म वाला इसे हम ऐड कर देंगे अब हम इसके भी सेटिंग्स ओपन करेंगे और लेंथ को थ्री कर देंगे और स्टाइल में जाके चार चीज अनटिक करेंगे जैसे आप देख सकते हो ना ये बॉल बैंड वाले दो फिर मूविंग एवरेज वाला और एक मिडल बैंड वाला अब अपर बैंड को हम 80 करेंगे और लोअर बैंड को 20 करेंगे इसके बाद ओके कर देंगे लो हो गया सेटअप रेडी चलिए रूल्स फॉर बाय एंट्री देखते हैं सबसे फर्स्ट रूल टू ग्रीन कैंडल शुड बी फॉर्मड वेर सेकेंड कैंडल शुड क्लोज अबाउ द फर्स्ट ग्रीन कैंडल हाई बेसिकली यहाँ पर ऐसे दो ग्रीन कैंडल होने चाहिए इसको पॉजिटिव ग्रीन कैंडल्स बोलते हैं इस केस में क्या होता है जो सेकंड वाला ग्रीन कैंडल है ना उसका क्लोजिंग ये फर्स्ट वाले ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर होता है फिर डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रीन कैंडल हाई एंड लो शुड बी मैक्स 200 हंड्रेड पॉइंट सो बेसिकली ये दोनों कैंडल में जो हाईएस्ट हाई एज मतलब इस केस में सेकेंड वाला ही होगा हमेशा और जो भी लोएस्ट लो low रहेगा ना इन दोनों का जो पॉइंट है वो 200 हंड्रेड पॉइंट्स के नीचे होना चाहिए अगर 200 हंड्रेड पॉइंट के ऊपर है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है और वो वैलिड नहीं होगा ये अब सेकेंड ग्रीन कैंडल शुड बी अबाउव फिफ्टी एम ए फिर सेकेंड कैंडल आर एस आई शुड बी अबाउ एटी सो so, जैसे आप देख सकते हो यहां पर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड है इसलिए हमारा ये सेकंड कैंडल ट्रिगर कैंडल बन जाएगा एंट्री वुड बी हाई ऑफ द ट्रिगर कैंडल हम मैक्स ना दो कैंडल का वेट करेंगे अगर ये नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री नहीं मिलेगा तो उसके नेक्स्ट वाला कैंडल का वेट करेंगे और तभी भी एंट्री नहीं मिला तो हम ट्रेड को इग्नोर कर देंगे फिर स्टॉप लॉस लोवेस्ट ऑफ द टू ग्रीन कैंडल लो ये जो लास्ट दो ग्रीन कैंडल थे उनमें जिसका भी लो सबसे नीचे रहेगा उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट वन टाइम्स द रिस्क तो जैसे आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल विन था चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ देखिए इधर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है वैर सेकेंड कैंडल फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है फिर ये सेकेंड कैंडल का जो क्लोजिंग है वो 50 ई के ऊपर है और आर भी 80 के ऊपर है सो so, ये कैंडल ट्रिगर कैंडल माना जाएगा सो so, हम इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ले लेंगे स्टॉप लॉस ये दो कैंडल का लोवेस्ट लो कंसिडर करेंगे सो so, यहाँ पर इधर होगा स्टॉप लॉस और टारगेट वन टाइम्स द रिस्क एंड दिस एग्जाम्पल वॉज अ विन चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इधर ही देखिए ना अपने को ये दो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है वेर सेकेंड कैंडल फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है फिर ये जो सेकेंड कैंडल का क्लोज प्राइस है वो फिफ्टी एम ए के ऊपर है और आर का वैल्यू भी एटी के ऊपर है सो so, ये कैंडल हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा हम इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे सो so, आप देख सकते हो नेक्स्ट डे पे अपने को एंट्री नहीं मिला है उसके नेक्स्ट डे पे अपने को एंट्री मिला है स्टॉप लॉस ये दोनों कैंडल का जो लोवेस्ट लो रहेगा उसके नीचे कंसिडर करेंगे तो यहां पर इधर होगा और टारगेट वन टाइम्स द रिस्क बट अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन अ लॉस कोई बात नहीं ट्रेडिंग में ये सब एक्सपेक्टेड ही है कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस चलिए अभी सेल के रूल्स भी देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू चैट प्राइम वो आर ऑल्सो टू डेज वीडियो स्पॉन्सर जिनको नहीं पता चैट प्राइम इज़ अ कस्टम इंडिकेटर सर्विस ये बाकी सब इंडिकेटर सर्विस जैसे आपको सिर्फ बाय और सेल के टिप्स नहीं देते इनका गोल उन ट्रेडर्स पर फोकस है जो अपने ट्रेडिंग करियर के मामले में सीरियस है और इनके टूल्स को एडिशनल कन्फॉर्मेशन की तरह यूज़ करते हैं इनके पास कई सारे इंडिकेटर्स है विच हैज़ मोर देन ट्वेंटी डिफरेंट कन्फ्लुएंस पॉइंट जिनको आप अपने डेली एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो आज हम इनका एक कमाल का न्यू फीचर के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने रिसेंटली अपग्रेड किया है इन चार्ट पैटर्न इंडिकेटर अगर आप एक बिगनर हो तो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इससे आपको समझेगा कि प्राइस का की लेवल क्या है ऐसे बहुत सारे कॉमन पैटर्न है लाइक डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स वेज पैटर्न चैनल पैटर्न ट्राइंगुलर पैटर्न एक्सेट्रा ऑब्वियसली ये सब आप जितना टाइम मार्केट में दोगे ना उतना एक्सपीरियंस के साथ आपको इजीली स्पॉट होगा बट आप इनिशियली इनका ये इंडिकेटर का हेल्प ले सकते हो ताकि ये आपको इजीली गाइड जैसा हो जाएगा आप देख सकते हो ये इंडिकेटर ये इतने सारे पैटर्न आइडेंटिफाई करके दे रहा है आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इनका एक प्रेडिक्टिव डबल टॉप और प्रेडिक्टिव डबल बॉटम ऑब्वियसली कोई भी पैटर्न बनने के बाद सबको दिखता है बट जब बनता हुआ दिखेगा ना तो ही आपके काम का है ना तो यही फीचर इनके इन इंडिकेटर में है आप सेटिंग्स में सेंसिटिविटी चेंज करके इसका एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हो ऐसे इनके पास कई सारे अलग अलग इंडिकेटर्स हैं अगर आपको उनके बारे में जानना है डिटेल में तो मैं चार्ट प्राइम का यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऑब्वियसली दिस इज नॉट फॉर एवरी और मैं आपको गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ कि हमेशा आपको पैसा बना के देगा बट इतना तो हम भी जानते हैं कि हम ट्रेडर्स हैं और हम प्रोबेबिलिटी पे विश्वास करते हैं सो आई वुड एडवाइस टू टेक देयर वन मंथ सब्सक्रिप्शन एंड ट्राई आउट देयर प्रोडक्ट योर और जितना एक्सपेरिमेंटेशन या बैक टेस्टिंग करना है कर लो सही लगा तो ही कंटिन्यू करो वरना मत करो कौन फोर्स करता है और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक तो रहेगा जिसे यूज़ करके आपको उनका प्रोडक्ट थर्टी तक भी ऑफ मिल सकता है ऑन देयर मंथली और ईयरली प्लान सो इफ यू फाइंड देम इंटरेस्टिंग देन मेक श्योर टू चेक देम आउट रूल फॉर सेल एंट्री two रेड कैंडल शुड बी फॉर्म वेर सेकेंड कैंडल क्लोज शुड बी बिलो द फर्स्ट रेड कैंडल लो ये भी सेम जैसे मैंने बोला कि दो रेड कैंडल फॉर्म होने चाहिए और ये जो दूसरा वाला रेड कैंडल है ना इसका जो क्लोजिंग है जो प्रीवियस रेड कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए उनके हिसाब से ये एक स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन है फिर डिफरेंस बिटवीन द टू रेड कैंडल हाइएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो शुड बी लेस देन टू हंड्रेड जो ये केस में है फिर सेकेंड कैंडल क्लोज शुड बी बिलो फिफ्टी ए एम फिर सेकेंड कैंडल आर एस आई शुड बी बिलो ट्वेंटी लेवल वो भी है सो so, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ सेटिस्फाइड है सो ये सेकेंड कैंडल हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा एंट्री वुड बी द लो ऑफ द ट्रिगर कैंडल और यहाँ पर भी हम सेम मैक्स दो कैंडल तक का ही वेट करेंगे और स्टॉप लॉस हाइएस्ट ऑफ द टू रेड कैंडल है सो so, यहाँ पर केस में इधर होगा और टारगेट वन एस टू वन सो दिस एग्जाम्पल वॉज विन चलिए इसका भी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ देखिए यहाँ ये दो रेड कैंडल फॉर्म हुआ है वेयर सेकेंड कैंडल फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है फिर ये जो सेकेंड कैंडल का क्लोज है ना वो भी 50 ई के नीचे है और आर भी 20 के नीचे है सो so, ये कैंडल हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा हम इस कैंडल के लो पे एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस ये टू कैंडल का हाइएस्ट हाई को कंसिडर करेंगे और यहाँ पर इधर होगा सो टारगेट वन इज टू वन एंड दिस एग्जाम्पल वॉज अ विन चलिए आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है मैं जानबूझ के सारे एग्जाम्पल्स कवर करता हूं ताकि आपको क्लियर हो सब सिर्फ विन के एग्जाम्पल्स देख के क्या मतलब है एक दो लॉस के भी एग्जाम्पल हो तो वो मजा आएगा ना आप उनका वीडियो जरूर देखिए अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है तो, तो इस ट्रैटेजी को हम टोटल हंड्रेड टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विंडेट चेक करेंगे आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट चलिए रिजल्ट देखते हैं So the test are over, as you can see total number of trade was 100, 46 are win and 54 was loss. So win rate was 46%, total gain in account was minus 9.54% and max drawdown is a massive minus 18.24%. Continuous win in a row is 8 and continuous lose in a row is also 8. Total duration of the test was 0.855 months. सो so, जैसे आप देख सकते हो रिजल्ट सेवेंटी परसेंट तो नहीं था फॉर हंड्रेड टेड एटलीस्ट रेट के मामले में इनफैक्ट ये लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है ऑब्वियसली फर्दर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड बट इनकी बाकी स्ट्रेटजी से कंपेयर करूँ ना तो आई वुड सजेस्ट टू अवॉइड दिस स्ट्रेटजी आप ही देखो ना माइनस नाइन पॉइंट फाइव फोर परसेंट लॉस था और मैक्स ड्रॉड ऑन भी माइनस एटीन पॉइंट टू फोर परसेंट था यूजली जब आपका रिस्क रिवॉर्ड वन इज टू वन होता है ना तो आपका विन रेट अच्छा हो जाता है बट दैट्स नॉट द केस यर एज ऑलवेज जैसे मैं आपको बोलता हूँ आपको सीधा मेरी बात या किसी की भी बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है हर स्ट्रैटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि वो स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है सो आई लैड द स्ट्रैटेजी इन द गूगल शीट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द ट्वेंटी एथ पोजिशन इन द लिस्ट वाओ स्टिल नॉट द लास्ट पोजिशन यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और यू वॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी लाइक सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट एज सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो तो यू पी आई स्क्रीन पर होगा और अगर आपके पास जीरो दा का अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जीरो दा का भी लिंक डाल दूंगा हमसे अकाउंट ओपन करके आप चैनल की थोड़ी हेल्प कर सकते हो एंड मेक श्योर टू चेक आउट चैट प्राइम फ्रॉम बिलो डिस्क्रिप्शन मेरा कोड यूज़ करके आपको उनका प्रोडक्ट थर्टी परसेंट तक ऑफ भी मिल जाएगा और अगर आपको ये वाली बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी चैनल पर शेयर किया है आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आप वहाँ से इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हो प्लीज़ कमेंट में आपकी फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रैटेजी आप चाहते कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में ये भी ज़रूर बताना आप हमारे चैनल के प्ले देख सकते हो और दूसरी स्ट्रैटेजी की वीडियोज भी देख सकते हो ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज फॉलो अस एंड शो your सपोर्ट मोर ऑसम contents are on द वे सो सी यू नेक्स्ट टाइम